A very good morning to all my happy faces. This is Avantika welcoming all my YT fam. ये रहा एक मेकअप ट्यूटोरियल का वीडियो जो कि मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो रहा है अब तक मेरे चैनल पे. तो ये आपके लिए है. अगर कोई क्वेरीज हो कमेंट करके पूछेगा और इस वीडियो को एंड तक देखने के बाद लाइक ज़रूर करिएगा. शुरू करते हैं आज की तैयारी. और तैयारी ऐसे शुरू करेंगे कि कल मैंने ऑलरेडी ब्लीच करा था तो आज नहीं करूंगी क्योंकि रोज रोज ब्लीच नहीं करना चाहिए. सो आज मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं क्या करने जा रही हूँ. मैं आई एम गोइंग टू डू द क्लीन अप. सो दिस इज निविया टोटल फेस क्लीन अप जिसे मैं करने जा रही हूँ एंड दिस इज बेनिफिशियल. इतनी जल्दी इफेक्ट आता है ना, ट्रस्ट मी गाइस. मतलब मैंने गलती से लिया था, धोखे से लिया था एंड उस दिन से लेके आज तक मैं इसे रोज खरीदती आ रही हूँ. तो चलिए शुरू करते हैं, जल्दी से करते हैं क्योंकि फंक्शन का प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं. 12 बज गए हैं, 3 बजे मैं वहां पहुंचना है और 2 बजे तो घर से निकलना है. जल्दी करो यार, जल्दी देर हो रही है. नाउ आई एम गोइंग टू डू माय हेयर वॉश. हेयर वॉश के बाद करते हैं बालों के साथ कुछ और मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या करते हैं. ये रही हमारी ग्रैंड फिनाले की साड़ी जो मेरे को आज पहननी है, ब्लैक. ये सीक्रेट है और उसके साथ मैंने नेक से उधार लिया है उसका प्रिटी वाला नया शॉल एंड आई होप दिस विल लुक अमेजिंग. और इसके साथ मैं ये पहन रही हूँ ये वाला सेट जो मुझे मेरी बेस्टी ने गिफ्ट किया था. ओके गाइज, ऑलराइट गाइज. सो मैंने बाल धो लिए अपने और मैंने आपसे कहा था कि एक मेकअप व्लॉग, किसी ने मेरे को रिक्वेस्ट करी थी कि मेकअप व्लॉग भी आप हमें दिखाओ. तो मैं शुरू कर रही हूँ यहाँ से, जहाँ से मुझे मतलब पूरा मेकअप की बिगिनिंग है मेरी. दिस इज़ लैक्मे 925 विटामिन सी सीरम दैट आई एम गोना अप्लाई. यहाँ पे मेरा मिरर है और इसको मैं विद द हेल्प ऑफ दिस मिरर आई डू माई मेकअप और आपको दिखाती भी जाऊँगी कि मैं कैसे कर रही हूँ. तो स्टेप बाई स्टेप यू विल ऑल्सो गेट टू नो द थिंग्स दैट आई विल बी डूइंग. ओके, so here goes the serum. I hope आपको अच्छी तरह से दिख रहा हो बिकॉज मैंने लाइट वाइट काफी अच्छी तरह से सेट करी. ओके, तो ठंडा लग रहा है. सोच रही हूँ नहाने के बाद सीधे चाय लिया हूँ एक कप. ओके, सो सी दिस इज ऑल ड्राई. I'm gonna let it sit for a while and then first I'm gonna dry my hair. ऑलराइट गाइज, वैसे तो मैं ड्रायर यूज़ नहीं करती हूँ क्योंकि नहीं करना चाहिए लेकिन बहुत इमरजेंसी होती है तब मैं यूज़ करती हूँ. सो बाल हो गए हैं बिल्कुल ड्राई और अब इन्हें करना है थोड़ा सा स्टाइलिंग. तो मैं मिलती हूँ जल्द से स्टाइलिंग करके. तब तक बैठे नहीं, लगे रहिए इस व्लॉग में. ओके, इसको देख के लाइक ज़रूर करना. चलो मिलते हैं. ऑलराइट गाइज, बाल मैंने थोड़े से सेट करे हैं अपने और अब मैं जा रही हूँ मेकअप करने. स्टेप बाय स्टेप आई विल टेल यू हाउ आई एम गोना डू इट. ओके, सो फर्स्ट वील बिगिन विद द प्राइमर. काफ़ी पुराना है लैक्मे 925 इनफालिएबल प्राइमर से मैं स्टार्ट कर रही हूँ. मेक श्योर दैट योर मेकअप शुड रीच योर नेक एज वेल बिकॉज नेक पे भी होना ज़रूरी होता है. ओके, नाउ कम्स द फाउंडेशन. आई विल शो यू फाउंडेशन. मेरे को पूछा था फाउंडेशन के लिए. सो ये है मेरा 925 मेबेलिन फिट मी फाउंडेशन एंड ये मैंने डार्क टोन के लिए लिया है. बट ट्रस्ट मी, आई हैव टू मिक्स एंड मैच विथ समथिंग. ओके, सो आई एम गोना मिक्स एंड मैच एंड देन शो यू हाउ आई एम गोना डू इट. ये फाउंडेशन मैंने अपने स्किन टोन के हिसाब से सेट करके अब आई एम जस्ट गोना डैब इट विद द हेल्प ऑफ अ ब्लेंडर. इफ यू हैव अ फाउंडेशन ब्रश यू कैन डू इट विद दैट. आई टू हैव अ फाउंडेशन ब्रश बट देन उससे आई विल प्रिफर टू डू द कॉम्पैक्ट वर्क. सो
अभी फिलहाल आई एम गोना स्प्रेड इट ऑल ओवर माय फेस एंड नेक, देन आई विल कम बैक. देर हो रही है तो मैं कलर करेक्टर लगाना भूल गई, बट देन इट्स ओके, इट्स ओके नाउ. अब टाइम भी नहीं है तो मैं अब सीधे कॉम्पैक्ट पे आई हॉप ऑन टू कॉम्पैक्ट. सो अब हम सॉरी लगाएंगे टेंट. ओके थोड़ा सा नोज पे ऐसे. इट्स ओके, कलर करेक्टर आज नहीं लग पाया क्योंकि अब टाइम भी नहीं है यार, जल्दी जल्दी सब करना है, वीडियो भी शूट करना है, तो मेरे पास इतना मतलब आई सीरियसली माई लाइक हेड इज रनिंग ऑल ओवर. ये भी करना है, ये भी करना है, एंड नाउ विद द हेल्प ऑफ अ ब्रश, फाउंडेशन ब्रश, अब इसको पूरा स्प्रेड. वंस दिस इज डन आई एम गोना हॉप ऑन टू माई आईब्रो. आईब्रो से पहले हम करेंगे कॉम्पैक्ट आफ्टर दिस टेंट. सो आई एम यूजिंग फिट मी कॉम्पैक्ट. बहुत जल्दी करें बिकॉज लेट भी होने के चांसेस हैं, लेट नहीं होना चाहती. और मेरे को फ्यूल भी डलवाना है. नोज पिन पहनना भूल गई. वैसे तो मेरा हाथ सेट हो गया तो इतना मुझे प्रॉब्लम नहीं होती है. उसके बाद फाउंडेशन के बाद हम लगाएंगे कंसीलर, कंसीलर के बाद लगाएंगे कॉम्पैक्ट. ओके सो आई एम गोना पुट सम कंसीलर. कंसीलर को बस इतने ही पोर्शन में आपको ऐसे डैप करना है. डू नॉट ड्रैग इट. ओके डू नॉट स्प्रेड इट, जस्ट डैब इट नोज पे और इधर. इसके बाद हम लोग सीधे स्टार्ट करेंगे आई मेकअप. ओके आईब्रो के लिए सिंपल, आपको पहले आईब्रो को शेप करना है और उसको फिल करना है. दैट्स इट, आई एम गोना शो यू. आईब्रो पेंसिल से लाइन करा है, अब मैं इसे फिल करने वाली हूँ. आई विल शो यू द डिफरेंस इन बिटवीन दीज टू. मैं अपने पैलेट से फिल करूंगी, गलत ब्रश पैलेट से फिल करती हूँ. दिस इज द ब्रश दैट आई एम गोना यूज फॉर आईब्रो. इसका आइडिया करना पड़ेगा कहाँ पे लाइट रखना है, कहाँ पे डार्क करना है. वो जब हम डिटेल में बनाएंगे ना किसी दिन, तब बताऊंगी आपको. यू कैन सी द डिफरेंस गाइस. ये रहा मेरा आई पैलेट. मैं आई मेकअप शुरू करने जा रही हूँ, दिखा नहीं पाऊंगी क्योंकि मुश्किल हो जाएगी और लेट भी हो रहा है. सो मैं आई मेकअप करके दिखाती हूँ आपको. मेरा आई मेकअप इज डन नाउ, मुझे सिर्फ लैशेज लगानी है. अभी इससे पहले हम क्या करेंगे, लूज पाउडर. लूज पाउडर हमें लगाना है. ये लूज पाउडर मैंने लिया, ये भी फिट मी मेबेलिन का है और बेकिंग के लिए हमें ये लगाना. आप ये लगाने के बाद यू हैव टू लीव इट फॉर अ वाइल सो दैट इट कैन सेट. और स्पेसिफिक एरियाज, नॉट एवरीवेयर. जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने कहाँ कहाँ लगाया है. इसके बाद आप कुछ और करना चाहें तो आप कर सकते हैं इन द मीन वाइल, बिकॉज यू हैव टू लाइक लेट इट स्टे फॉर अ वाइल. इट नीड्स टाइम टू सिट. ओके सो मैं इसको छोड़ती हूँ थोड़ी देर के लिए, कुछ और देखती हूँ तब तक. मीन वाइल मैं लैशेज अपनी क्लियर करती हूँ. ओके सो ये हो गया है तो मैं आपको बता दूँ कैसे हटाना है. ये आपको बस एक ये कॉम्पैक्ट ब्रश लेना है और उससे जस्ट यू हैव टू स्लाइटली जिस डायरेक्शन में लगाना है, लगाया है आईज का इस तरह से, ओके ब्लशर आप कोई भी शेड का लगा सकते हैं जो आप चाहते हैं. ओके थोड़ा सा काजल, काजल लगाना ठीक करना, आई मीन लगा हुआ है. लास्ट में जब भी ग्लू लगाओ ना,
लेट इट स्टे फॉर अ वाइल, जल्दी आप लगा लेते हो और उसके बाद वो निकल जाती है. रीजन ये है बिकॉज इट इज स्टिल वेट, तो वो बाहर आ जाएगी. सो लास्ट में ग्लू लगाने के बाद लेट इट स्टे फॉर अ वाइल एंड देन थोड़ा सा ड्राई हो जाने के बाद तब लगाओ. अब बिल्कुल भी ड्राई हो जाने के बाद मत लगाना कि वो बचे ही ना. ओके लैश लगाने से पहले आई लैश कर्लर से ज़रूर कर्ल कर लें. यू हैव टू पुट इट लाइक दिस, प्रेसेस ट्वाइस एंड थ्राइस नाइसली. इट नीड्स अ गुड प्रेस एंड देन यू गुड टू गो. मैंने थोड़ी देर पहले लैश में ग्लू लगा दिया था तो मैं इसलिए अब अपनी लैशेस रेडी कर रही हूँ. लाइनर मैं नहीं लगाना चाहती बिकॉज आई मेकअप इज ऑलरेडी क्वाइट हैवी. नाउ द लैशेज आर डन, द बिग डील. दिस इज मेबेलिन न्यूयॉर्क स्काई हाई मस्कारा जो आपको मैंने दिखाया था. सॉरी कहाँ दिखा रही हूँ, जो मैंने आपको दिखाया था ठीक है, जो मैंने लिया. अब लैशेज लगाने के बाद बहुत ज़रूरी है कि आप मस्कारा लगा लें. ओके सो मैं लगा के दिखाती हूँ. आई गेस आज थोड़ा वीडियो की वजह से भी थोड़ा लेट हो रहा है, बट देन अब शुरू कर दिया तो इधर देख के करती हूँ. आज का कॉम्बिनेशन इज गोइंग टू बी रेड, सो ब्लैक विद रेड. सो आई एम यूजिंग दिस मेबेलिन रेड लिपस्टिक. मैं लगा के आपको दिखाती हूँ. ये मैंने लगा ली रेड लिपस्टिक बिकॉज ये मेरी साड़ी की बिल्कुल मैचिंग है. एंड आई एम गोना यूज सम हाइलाइटर, वो आपके चीक बोन्स पे, ब्रा बोन्स पे और नोज पे बहुत तरीके से आपको हाईलाइट करना पड़ेगा. आई विल टेल यू हाउ. हल्का सा हाइलाइटर, थोड़ा सा इधर, हल्का सा हाइलाइटर एंड ये, फिर ये टिप. ओके एंड देन ब्राउ बोन्स यहाँ पे. मैं नेल्स लगाने वाली थी बट अब टाइम नहीं है बिकॉज दे ऑल्सो नीड सम टाइम. सो आई विल टेक दिस लैक्मे क्रश, आई विल पुट दिस वन जैसे ही टाइम मिलता था बिकॉज ड्राइव भी करना है अभी. ओके मैं काफ़ी लेट हो रही हूँ तो मैं जल्दी से जाती हूँ, साड़ी पहनती हूँ और साड़ी पहनने के बाद आपसे मिलती हूँ. सो हियर इज द फाइनल लुक. प्लीज जज मत करना पीछे, आई नो बहुत गंदा हो रहा है बट देन टाइम भी नहीं है मेरे पास सेट करने का, आके सेट करूंगी. ये सोनाली ने दिया था, थैंक यू सो मच सोनाली, दिस इज लुकिंग वेरी प्रिटी. और बस अब निकलते हैं यार, बहुत देर हो जाएगी. ओके मिलते हैं रास्ते में. Savannah, the beauty of the world. Savannah, let's all take a ride. Savannah.